कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के सिरसी इन दिनों भगवा संगठनों के हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। संघ कार्यकर्ता की हत्या को लेकर भगवा संगठनों के कार्यकर्ता जमकर उत्पाद मचा रहे हैं और मुख दर्शक बने हुए हैं। दरअसल बीते दिनों हिंदू कार्यकर्ता परेश मेस्टा की हत्या हो गई थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद BHP और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। इस दौरान आपत्तिजनक नारों के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस में कार्यकर्ता की पुलिस से भी जमकर झड़प हो गई। हिंदू कार्यकर्ता के स्थानीय जामा मस्जिद में तोड़फोड़ की और मस्जिद के पीछे मुस्लिमों की दुकानों में आग लगा दी, साथ कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। मामला बढ़ने पर पुलिस ने हिंदू कार्यकर्ता के साथ BJP विधायक विश्वेश्वर हेकड़े किगेरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा जुलूस हेकड़े के ही नेतृत्व में निकाला जा रहा था। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने आरोप लगाया है कि BJP और संघ परिवार के लोग राज्य में अशांति और दंगा का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि युवा कार्यकर्ता परेश मेसाठ की मौत के मामले में पुलिस जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।